कहते हैं पूत के पांव जो होते हैं बाल्य में दिखने लगते हैं। आज कुछ ऐसा ही हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सीतापुर जनपद के महमूदाबाद कस्बे में नजर आया है, जहां पे प्राची निगम ने 98.5% अंक प्राप्त कर अपने जिले का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ इस वक्त प्राची निगम स्वयं मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि आखिरकार जो उन्होंने सफलता की ऊंचाइयां छुई हैं इसका राज क्या है। प्राची, सबसे पहले तो न्यूज़ ऑन इंडिया की बधाई बेटा। थैंक यू सर। और जिस आज मुकाम पे पहुंची, इस सफलता का क्या राज है? सर, मेहनत करते रहिए, साल भर की जर्नी होती है, एक साल की आप कठिन परिश्रम करते रहिए। अच्छा, पर जो आप हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, तो जो ये सफलता हासिल की, इसमें कितने टाइम पढ़ाई करती थी, किस टाइप की पढ़ाई करती थी बेटा? डेली स्कूल होता था, स्कूल आना, फिर स्कूल का वर्क घर पर कंप्लीट करना, दो तीन आवर्स में होमवर्क कंप्लीट होता था, और सारे सब्जेक्ट को अगर आप सारे सब्जेक्ट डेली नहीं पढ़ पा रहे तो आप एक एक करके दो दो तीन करके पढ़िए, और जो भी स्कूल से वर्क दिया जाता है टीचर्स पेपर्स PPIQs देखते हुए आपको क्वेश्चंस देते हैं, तो उनको डेली अटेंड करते हैं। अच्छा, जो ये आपको जो ये मुकाम मिला है, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? इसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो पेरेंट्स और मोस्ट टीचर्स को देते हैं। हाई स्कूल की जब ये एग्जाम शुरू हुए, तब क्या मन में था, किस तरीके का था? तैयारी थी, और मुझे ये नहीं लगता था कि मेरी यूपी में रैंक आएगी, और मैंने जब अपने रिजल्ट देखा हुआ था तो मुझे लगा मेरे इतने नंबर आए। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स लोगों के नंबर देखे, और बाद में मुझे आधा घंटा बाद पता चला कि मेरी यूपी में भी रैंक आएगी। आज जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको बताया आपने? हाँ, सबसे पहले तो मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा को बताया। बेटा, आगे चलकर क्या करने, किस विभाग में, किस सेक्टर में तैयारी करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और सोशल वर्क करना चाहती हूँ। सोशल वर्क करना चाहती हूँ, क्या इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कठिन परिश्रम है। कठिन परिश्रम। आज आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं, जो आपके समकक्ष आने वाले समय में जो हाई स्कूल का पेपर देंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? जो 2025 में मेरे जो स्कूल के जो 9th के स्टूडेंट फ्रेंड्स में आए हुए हैं, वो अपना सिलेबस कंप्लीट समय पर कंप्लीट कर लें और रिवाइज करते रहें, और जो भी टीचर्स बताते हैं स्कूल में कि ये करना चाहिए आपको, उनको जरूर फॉलो करें। उनके प्राची की माँ भी हमारे साथ में, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार वो क्या महसूस कर रहे हैं, आज बेटी ने आपकी यूपी टॉप किया है, क्या महसूस? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जो है मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो है काम वाम कुछ नहीं करवाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, इसको कहने को नहीं पड़ता है कि तुमको पढ़ना है, अपने आप से। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या रुचि रखती है? सर, कभी कभी मनोरंजन कर लेती है। अच्छा। और जो है वैसे ज्यादातर तो पढ़ाई पे, ज्यादा पढ़ाई पे, और आना जाना कहीं नहीं, कहीं आना जाना। खेल कूद में मन लगता है? नहीं, कभी कभी मन लगता है, मन लगता है, कभी कभी जब उठ जाती पढ़ने से तो थोड़ा मनोरंजन भी कर लेते हैं। तो किस तरीके का आपका सपोर्ट रहा, किस तरीके का, यानी डांट फटकार? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, मैंने कभी नहीं डांटा इसको, ना कभी मारी है, कुछ भी नहीं, सब अपने मन से पढ़ती है। निश्चित ही पिता के लिए गौरव का समय, उनके पिता भी यानी हमारे साथ हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी ने आज यूपी टॉप किया है, प्रदेश में नाम रोशन किया है। सबसे पहले सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बेटी ने परिश्रम के साथ जी अवसर प्राप्त किया है। सबसे बड़ी, इससे ज़्यादा खुशहाली का क्या माहौल हो सकता है, ये तो बहुत खुशी का माहौल है, जिसके बच्चे आगे बढ़े, उसके पिता की जो है खुशी ही खुशी है। आगे चलकर बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? जो ये बनना चाहेगी, अपने जो है ये जो बनना चाहेगी वो हम बनाएंगे, और इसी के प्रयास से हम जो इसको रुचि जिसमें लगेगी उसी के साथ। तो साफ तौर पर पिताजी का भी कहना है कि जो बेटी में करना चाहेगी उसको हम कराएंगे, और आज उनके लिए निश्चित क्या पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि एक छोटे से कस्बे से निकलकर बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। AK जायसवाल, न्यूज़ इंडिया।